नमस्कार, हमारे साथ में है बच्चू कड़ू। हम रास्ते में यहाँ से भाव के दौरे से होते हुए दौरे के आगे जा रहे हैं। चर्चा को निश्चित अभी बहुत कम समय प्रचार के लिए मिला हुआ है, तो जहाँ रास्ते में समय मिल गया हम अभी गाड़ी में भाव का इंटरव्यू ले ले रहे हैं। बच्चू नमस्ते। नमस्कार। बहुत दिन से आपको तलाश कर रहे थे, हम ढूंढ रहे थे, लेकिन व्यस्तता के कारण आपकी मुलाकात हो नहीं पाई। अभी जो दिनेश बुक चुनाव लड़ रहे हैं आपके प्रहार से, हमने देखा कि जो पहले दिन से रोज स्थिति में हम लोग भी इम्प्रूव देखते हुए आ रहे हैं, तो मुद्दा जो अपने विदर्भ का, अमरावती का जो है, इसमें दिनेश बुक और प्रहार कितना सक्षम रहेगा, क्योंकि देश की राजनीति का केंद्र विदर्भ बनता है। हर बार देखते हैं विदर्भ से बड़े बड़े नेता जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद में सरेंडर हो जाते हैं, कोई विदर्भ के लिए आवाज नहीं उठता। विदर्भ आज भी पिछड़ा हुआ है, कई बार अलग विदर्भ की आवाज चली हुई है, लेकिन विदर्भ फिर भी पिछड़ा। नागपुर में कई प्रोजेक्ट आए, वापस चले गए। नागपुर और अमरावती की तुलना में किए तो नागपुर का विकास बहुत ज्यादा है, अमरावती का नहीं। क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, अमरावती का भी नागपुर के साथ विकास होना चाहिए, विदर्भ का विकास होना चाहिए? क्या हुआ, पहले तो हम पश्चिम महाराष्ट्र के नेताओं से जुड़े थे, वहाँ दिल्ली मुंबई से राजनीति चलती थी, लेकिन ये 10 साल के अंदर विदर्भ की राजनीति तेजी से बढ़ते जा गई। ऐसा लगा कि नागपुर के नेताओं के हाथों से अमरावती भी पीछे नहीं रहेगी, लेकिन अगर पूरी अगर अपन देखें तो आज ऐसी स्थिति है कि विद्युत में हमारा सबसे बड़ा आज अगर ऊर्जा अगर सबसे ज़्यादा निर्माण हम करते, लेकिन सबसे कम हमको मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। और यह होने के बावजूद भी मेरे को तो लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर ऊर्जा विदर्भ दे रहा है तो फिर लोड शेडिंग विदर्भ में क्यों? पूरा 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 इलेक्ट्रिक के वो भी उसमें भी सब्सिडी नहीं है, तो उसके लॉसेस हम सहन कर रहे, लेकिन उसका जो ये होना फायदा होना मुनाफा वो कुछ मिलता ही नहीं। पुना की एक जिले में जितनी विद्युत लगती है उतनी तो विदर्भ को लगती है, तो सबसे ज़्यादा पुना में लग रही है, औरंगाबाद लग संभाजीनगर लग रही है, अब मुंबई लगती है। तो फिर मैं ये लगता है कि भाई हमारे नेताओं ने यह सोच क्यों ना आगे बढ़ाई। आज तुम देखेंगे सीधा किसान की बात अगर करेंगे तो 4 घंटे दिन में खाली विद्युत मिलती है, लाइन मिलती है, बाकी शाम को मिलती है, रात रात निकलना पड़ता है किसानों की। बल्कि हमारे ऊर्जा मंत्री विदर्भ से है, विदर्भ केंद्र स्थानीय है बीजेपी के, यहाँ से देश का बीजेपी चलती है, ऐसा लोगों का कहना है। और शक्ति स्थल है नागपुर, तो भी मिहान के 100 प्रकल्प वहाँ से उठकर चले गए, तो पूरा विदर्भ का अभी भी रोजगार का अनुशेष बाकी है, लाइन विद्युत ऊर्जा का अनुशेष बाकी है, हल्का है। सिंचन का भी वही हाल है कि हमने जैसा प्रकल्प 6,000 हेक्टर अगर सिंचन का है तो वहाँ 2,000 हेक्टर सिंचन हो रहा है। तो ये सब होने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि देवेंद्र जी जैसे एक अभ्यासु और कनखर नेतृत्व हम भी अभी भी मानते हैं उनको, लेकिन इस पर वो ख्याल क्यों नहीं दे रहे, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि इस पर ख्याल देना बहुत ज़रूरी है। जैसा एक एक डीपी में 27 कनेक्शन, बल्कि वहाँ 10 ही होना, और वोल्टेज मिलता नहीं, ओवरलोड है सब, तो ये बहुत मुसीबत में अभी किसान है, किसान भी है और उद्योजक भी है। किसान के साथ में एक किसान का और दूसरा रोजगार का, युवा को रोजगार। आपने पुणे की बात निकाली, पुणे और अमरावती में यदि हम देखा जाए तो हमने कई बार अभी महसूस किया पुणे जो शहर है बहुत डेवलप हुआ है, जबकि वहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, 6-7 दिन में एक एक बार पानी आता है। अमरावती में आपको डेवलपमेंट के लिए 3 चीजें मुख्य लगती है, बिजली, पानी और सड़क। अमरावती में बिजली अच्छी, यहीं पे प्रोडक्शन होता है, पानी की भरपूर उपलब्धता है और सड़कें बनी रही है, इसके बावजूद भी अमरावती का विकास क्यों रहेगा? क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति कम? आप भी राजनीति के पार्ट रहो, आप भी मंत्रालय में रहे हुए हो, और आपने अमरावती के ग्रामीण को और युवाओं को पास से देखा है। देखो, एक तो प्रभावशील राजनीति होना, और भाजपा के पास कांग्रेस भी यहाँ बहुत मजबूत थी, और इतना बड़ा कांग्रेस का प्रभाव और बाद में भाजपा का प्रभाव होने के बावजूद भी विदर्भ का जिस तरह से कल्याण होना चाहिए वो नहीं हुआ। आप एक देखो, जिस तरह से बारामती वहाँ से
प्रभाव, राष्ट्रवादी का प्रभाव बारामती में है, और जिस तरह बारामती में जिस तरह से विकास प्रभाव को लेकर किया, जैसा हम अकेले विधायक है, हमारे दो हो गए, बीजेपी के तो सबसे ज्यादा विधायक विदर्भ से गए, तो इतने सारे विधायक जाने के बावजूद भी अगर विदर्भ पीछे क्यों होता है, तो ये राजकीय इच्छा शक्ति बहुत कम हो गई है। हम पूरा राज्य का राजकारण तो कर रहे हैं, लेकिन विकास के बारे में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो अब राजनेताओं की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि उनका विदर्भ के साथ में अमरावती भी ध्यान, विदर्भ की बात करें तो नागपुर पूरा ध्यान, यानी विदर्भ यानी सिर्फ नागपुर रहता है, नागपुर के अलावा बाकी कहीं डेवलपमेंट हमको दिखता नहीं। अमरावती, हम तो जैसे अमरावती देख दूसरा बड़ा शहर है, फिर भी वो विकास नहीं है, कहाँ इच्छा शक्ति कम बढ़ रही है? नागपुर में खाली, मैं क्या बोलता हूँ, नागपुर में मेट्रो हुई है, उसके मेरे को नहीं लगता और 10 साल फायदा होगा मेट्रो का। और इसके अलावा नागपुर में ऐसा नहीं बोल सकते कि भी ये हुआ, मेट्रो के अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है बताने की कि नागपुर इसके लिए फेमस है। और मुख्यमंत्री नागपुर से थे, हाँ, तो मुख्यमंत्री नागपुर से रहे, तो भी देश के सबसे बड़े मंत्री, जो अभी दो मंत्री के बाद में तीसरे मंत्री का जो नाम आता है नितिन गडकरी, इनसे अलावा कोई मंत्री, वो नागपुर से है। उन्होंने सड़कें बनाई, लेकिन दूसरा जो जैसा क्या है कि संतरा विदर्भ की जान है, तो फिर संतरा के लिए इतनी बड़ी राजकीय शक्ति प्रभाव इनका होने के बावजूद भी लोग हमको पूछते तुमने क्यों क्यों किया नहीं। मैं इनको पूछता हूँ, तुम्हारे 160 आमदार होने के बावजूद भी ज़्यादातर संतरा एरिया से आमदार ज़्यादा है, आपके विधायक ज़्यादा है, तो भी आपने एक भी प्रकल्प लाया नहीं, एक भी प्रकल्प नहीं। दो बार हुआ भूमि पूजन किया मोर्सी में, उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ, एक पत्थर भी वहाँ आया नहीं। तो ये राजकीय प्रभाव होना ये बहुत मजबूती की बात है विकास के लिए। जब तक राजकीय प्रभाव नहीं बढ़ जाता, तब तक उस एरिया का विकास नहीं होता, ये तो सूत्र ही है। और ये सूत्र होने के बावजूद भी ना कांग्रेस और बीजेपी, जिस तरह से विकास होना चाहिए उद्योग क्षेत्र में, सिंचन के क्षेत्र में, कृषि प्रक्रिया के अंदर, ये नहीं हुआ। सीधी बात है, जब बांग्लादेश संतरा पे आयकर लगाया, तो उस टाइम कोई आवाज उठी नहीं। केंद्र में हमारे दो दो मंत्री होने के बावजूद भी, हमारे डिप्टी सीएम सीएम होने के बावजूद भी वहाँ कुछ हरकत दिखी नहीं। तो ये शकुंतला एक्सप्रेस हो, टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई और केंद्र सरकार का टेक्सटाइल यूनिट यहाँ बंद हो गया। एक तरफ तुम टेक्सटाइल पार्क की घोषणा करते हो और दूसरे तरफ फिनले तुम बंद करते हो, तो ये बहुत है। मेरे को नहीं लगता कि कोई लगाव इन लोगों का इस मिट्टी से है, रहा है, ऐसा कुछ लगता नहीं। राजनीतिक प्रभाव की बात करते बच्चों आप, राजनीतिक प्रभाव यानी शीर्ष नेताओं से नजदीकी होना है? नहीं नहीं, मैं राजकीय नीति, राजनीति प्रभाव बोले तो अगर कांग्रेस के 10 आमदार है, बीजेपी के 40 है, तो प्रभाव किसका है? भाजपा का। और कौन से क्षेत्र का प्रभाव है बीजेपी में? विदर्भ का। मगर विदर्भ का प्रभाव होने के बावजूद भी अगर सरकार बनाने में, बीजेपी का सरकार बनाने में विदर्भ का अगर सबसे ज्यादा प्रभाव है, तो विकास भी उतने साथ में होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं भाई, ये घर के लोग, चलो इनको बाद में देख लेंगे, अभी वो तो दो बातें देश में, मुर्गी दाल बराबर जैसे होती वैसी। मुझे तो वही लगता है, लेकिन स्थिति ऐसी है कि देश के अंदर जो राजनीति अभी खड़ी है वो धर्म और जात के बेस पे है। 75 साल के अगर पूरा इतिहास हम निकालेंगे तो कौन हिंदी साइडर आ जाता है, मराठी साइडर होता है, हिंदू होता है, मुस्लिम होता है, तेली माड़ी कुंभी और सब पिछड़े जाति, सब इस पे सब मुद्दे तान के खड़े हो जाते हैं। और इसमें जो हमारे विकास के मुद्दे है बिल्कुल अलग से हम निकाल लेते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर जिस जगह उतरता है ना, उसे जिस तरह हवा में सब कचरा उड़ जाता, उसी तरह विकास के मुद्दे उठ जाते हैं। तो ये राजनीति में सबसे गलत हो रहा है, ये विदर्भ के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो पूरे देश में राजनीति जातिगत आधार पर चल रही है, विकास के आधार पर राजनीति, कहाँ अमरावती में भी, कहाँ विकास के आधार, नहीं, पूरे पूरे हर जगह इतने यहाँ इतने वोट इसके, इतने वोट इसके, इतने वोट इसके, सारा मेरा सीधा सवाल है कि सबसे ज्यादा लोग किस पर निर्भर है? खेती पर। खेती अगर मजबूत हो गई तो हिंदुस्तान मजबूत होने में टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बिल्कुल सही यही मुद्दा है कि अगर किसान सुखी तो देश सुखी,
उसके सबसे ज्यादा उद्योग कौन दे, रोजगार कौन दे रहा है? किसान ही दे रहा है। तो उस पर नजर तुम्हारी क्या है? आज 4,500 क्विंटल से सोयाबीन को बेचना पड़ा, बल्कि पर क्विंटल में सोयाबीन का खर्चा 6,000 है, 1,500 का लॉस करके बेच रहा है किसान। 10 साल पहले भी 4,000 भाव थे, वो खत के भाव बढ़ते जा रहे, 400 से 1400 हो गए और सोयाबीन ऊपर से नीचे आ रही है। तो ये इस पर जो नीतियां है केंद्र सरकार की, यही सबसे बड़ी हम किसान के लिए कमजोरी हो गई। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले ने बोला था, कलम कसाई, कलम लिखने वाले भी कसाई होते हैं। तो ये कलम गलती से लिख दिया कि भाई इस देश का संतरा, इस देश का प्याज बाहर नहीं जाएगा, एक कलम ज़्यादा 2-3 बातें लिखी होंगी, लेकिन किसान के छाती पर तलवार चली गई। ये बहुत बड़ी डकैती, प्रोडक्शन की कीमत कम हो गई, कम हो गई और सीधा किसान मर गया। ज्यादा प्रोडक्शन है तो निश्चित रूप से, मुझे पहले नहीं समझता था कलम कैसे होते, फिर आज समझ में आया कि कलम कैसे क्या होते हैं। किसान की बात करते हैं, साल भर किसानों का आंदोलन रहा, 600 से ज्यादा किसान आंदोलन में मर गए। केंद्र सरकार जहाँ आप अपना प्रतिनिधि भेजना चाह रहे हैं केंद्र सरकार में इन चीज के लिए, किसानों के प्रति तो कहीं गवर्नमेंट की आस्था जो होनी चाहिए। एक साल तक आंदोलन चलता है, अभी तो हमने देखा कि कोई भी आंदोलन, कितनी भी आंदोलन को किसी भी प्रकार से कोई उसको, पहले तो 2 दिन आंदोलन करता तो नेता जाके मिल लेते थे, आंदोलन खत्म करने की कोशिश करते थे, कई आंदोलन में देखे साल भर तक चले। तो आंदोलन, जैसे आपको आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता है और सरकार आंदोलन को महत्व नहीं देती, किस प्रकार से काम करेंगे? दो बातें हैं, एक तो जिस मुद्दे आंदोलन में उठाए गए उसमें क्या सच्चाई है, वो अगर सच्चाई है तो सरकार ने उस तरह से उनके साथ चर्चा करना जरूरी है। हो सकता है कोई सच्चाई नहीं और आंदोलन हो रहा है तो फिर गलत है। किसान आंदोलन क्या हुआ? किसान आंदोलन एक सच्चाई थी और सच्चाई होने के बावजूद भी आपने तानाशाही वहाँ अगर शुरू करते हो तो ये बहुत गलत है। ये देश के, यानी आप अंग्रेजों जैसा बर्ताव कर रहे हैं तो मुझे लगता इससे देश मजबूत नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है कि हमारी आपकी पार्टी मजबूत होंगी लेकिन देश मजबूत नहीं होगा। बात आपने कहा नीतिक व्यक्तिमत की, सुमित राणा जो अभी खड़ी है भाजपा से, अमित शाह और मोदी जी से सीधे संपर्क होंगे, इससे ज्यादा मजबूती क्या चाहिए राजनीति में? लेकिन फायदा क्या हुआ? टिकट लाने में जितनी ताकत लगाई उतनी ताकत अगर विकास के लिए लगाई थी, फिनले मिल के लिए उन्होंने लगाना था, उतनी ताकत शकुंतला रेलवे के लिए लगाना था, उतने ताकत प्रोजेक्ट के लिए लगाना था, नहीं लगाई। जब तुमको पता है कि टिकट के लिए क्या कितनी बड़ी संघर्ष उनको करना पड़ा, मेरे को नहीं लगता कोई उम्मीदवार को इतना संघर्ष करने के बाद में भी इतनी ताकत भी, 4 दिन कोर्ट के 4 दिन पहले भवन कुर साहब ने डिक्लेयर कर दिया कि इनका रिजल्ट आ गया, यानी पेपर प्रकरण तो देखा था हमने, जहाँ पर्चे लीक होते हैं कोर्ट का रिजल्ट भी तो लीक हुआ, ऐसे में इतने पूरे जो डिफॉल्ट खेल रहे हैं, आप सही मार्ग से चल के कैसे टिक पाओगे उसमें? ये तो बहुत जो हरकतें हुई है अभी, जिस तरह से मोहनपुर जी ने बताया कि रिजल्ट आ भी गया और वो नवनीत जी के बाजू में है, तो मुझे अभी तक लगता था का कोई परीक्षा है और पेपर फूट गया, यहाँ तक ठीक था, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। यहाँ तो जज का निर्णय लीक हो गया, अब रहा क्या? नहीं, आप पर अगर कोई घात होता है और सामने वाला अगर बीजेपी का होता है तो समझो आपका सामने वाला का कुछ नहीं होगा, वो मार भी डालेगा, खत्म भी कर डालेगा। तो राजनीति सुविधा तो यही बोलती है ना, फिर आप क्यों महायुति से अलग हो गए अपना उम्मीदवार, क्योंकि राज की व्यवस्था क्या बोलती है? विचारधारा से आते हैं, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ पंगा लिया था और सुविधा नहीं उनको बेसावध करके वहाँ पछड़ा था, उसी तरह हम भी उनका एक भक्त बोल के हम खड़े हैं यहाँ। और हम पहले बताते सभा के अंदर कि मैं धर्म और जाति की राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं मुद्दे की बात करने आया हूँ। मेरे मुद्दे कौन से है? हम जीत तो जाएंगे लेकिन मुद्दे नहीं पीछे होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारे में हम जिस मुद्दे को लेके जा रहे उसमें जान है और वो तूफान आएगा। और ये जो इनकी जो सत्ता और पैसा जिस तरह से इनका प्रभाव उसमें बढ़ा रहे, ये टिक नहीं पाएगा उसके सामने, क्योंकि ये छोटे छोटे लोग को, ये हम जब बताते कि भाई 1.25 लाख में घर होता है क्या,
और 12,000 में टॉयलेट भी होता है, 12,000 में टॉयलेट कैसा होता है, तो लोगों को ये सच लगता है और हमारे सुर में उनका सुर जुड़ जाता है और फिर ताकत बढ़ जाती है। तो मुझे मुद्दे पर राजकारण करना है, मैं धर्म और जाति पे राजकारण बिल्कुल नहीं करूंगा। और मुद्दों पर मैं सीधा बोलता हूँ, जात और धर्म के नाम पर अगर वोट मारेंगे तो मत मारना भाई, मुद्दों पे वोट मारना पड़ेगा, क्योंकि चंग भर लोग कल जाकर हमारा व्यवसाय लेके जा रहे हैं। कुछ आज जो थोड़े छोटे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, वो भी उनके हाथ में नहीं रहने वाला है। स्थिति तो ऐसे आएंगी, आग दिल्ली में लग गई है, अभी अमरावती में सभी को कब लगेगी पता नहीं है। अभी से अगर नहीं सुधार की तो हम जो जा रहे हैं वो आग रोकने के लिए जा रहे हैं, जो तानाशाही की आग है वो रोकने वाले हैं। जैसे कहा कि आप पूरे सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम अभी चल रही है एडजस्टमेंट की, कि भाई आपने कुछ करप्शन किया तो आप वॉशिंग मशीन में चले जाओ, आप क्लीन हो जाओगे, कोई नहीं ऐसे। सारे हमने देखे कि 70,000-700 करोड़ के भी घोटाले रहे, उनके पास भी चले गए तो घोटाले खत्म हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में अटल बिहारी वाजपेयी ने जब पहली बार सरकार की थी, दूसरी बार बैठे थे, कि सब यदि जब पूरे फाउल खेल रहे हैं और यदि मैं सही खेलूँ तो कैसे टिक पाऊंगा। इतने बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व ने भी इस सिस्टम से परेशान होकर ये कहा था, तो आप नीति के साथ में और अपने विचारों के साथ में कैसे राजनीति में टिक पाओगे? देखो, ये तो मुझे पता है कि किस तरह से परिणाम आगे आने वाला है। हो सकता है कि हमारी कुछ केस न होते हुए भी केस निकालेंगे, जहाँ हमारे आंदोलन की केस चालू है उसमें अंदर डालने की व्यवस्था होंगी, कुछ बदनामी करने की व्यवस्था होंगी। तो मैंने सब समझा, सोचा भी है और ये भी सोचा है कि आगे खाली है 5 साल, तो मैंने खाली सरकार में था, नहीं तो मैं आंदोलनकारी करके लोगों को पसंद है और मैं आंदोलनकारी रहूँगा और ये चुनाव मैं आंदोलन के हिसाब से लेके सामने ले रहा हूँ, उसको उसी हिसाब से आगे जा रहा हूँ। और मुझे कोई डर भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, अगर वो ऐसा होता है तो बड़े दिमाग के साथ सोच समझ कर पूरे सिर पर लेकर इसको हम बिल्कुल ताकत से इससे लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, चाहे उसमें जान भी अगर गई तो मैं लोगों के हित में खड़ा रहूँगा। मेरा नाम इन भगोड़ों की यादी में नहीं आएगा, लड़ने वाले की यादी में आएगा, इससे मैं बहुत अभिमान की बात रहेगी मेरे लिए। आपने जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई थी तब कहा था कि नवनीत राणा को हम हराएंगे, हराने की पहली मुख्य भूमिका थी, क्या कारण, क्यों हराना चाहते हैं आप उनको? एक तो उनका जो बर्ताव है रवि राणा का, वो तो बहुत ही गलत है। कितने बार मेरे को तोड़ी बाज बोला, कहीं भी जाता तो पैसे खाता है, भाई भी बोलते हैं साथ में आपको। कैसा है कि वो उनके भाई के साथ इसी तरह व्यवहार करते हैं। अगर भाई बड़े भाई बोलते हो और ऊपर से थोड़ी बाज भी बोलते हो तो आपका भाई का रिश्ता भी इसी तरह होगा, ऐसे संस्कार है उनके। अगर भाई बोलना है तो फिर भाई को हम गलत नहीं बोलते, अगर गलत बोलना है तो भाई नहीं बोलते। तो ये संस्कार अगर राणा फैमिली के है तो बहुत गलत है। एक तरफ भाई बोलना और दूसरी तरफ बोलना कि भाई ये हर इसमें 350 गुने दाखिल किए, ये मैनेज के थोड़े मैनेज होना, तो गुने कहाँ दाखिल होते थे। तो इस तरह से जो सच नहीं है, पूरा झूठ आरोप हो सकते हैं लेकिन कुछ तो सच हो ना, पूरा झूठ अगर बोलते होंगे तो उसका तो बिल्कुल हम निषेध ही करने वाले थे, हमने बिल्कुल ठाम लिया था कि इसका जवाब। राणा ने बोला खड़ी नवनीत राणा है और बीजेपी से खड़ी है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, जहाँ तक कि सारे देश अभी लोग बोल रहे कि इस बार 400 पार, इस बार मोदी सरकार, और ऐसे में आप बीजेपी के उम्मीदवार से पंगा लेके बैठे हैं। वो तो पंगा गिंगा मैं नहीं मानता हूँ, मुझे इनसे पंगा और ये इतने बड़े मैं तो समझता ही नहीं, और मेरे लिए बहुत छोटे लोग हैं वो, बहुत बहुत ही छोटे हैं। देखो, हम वार करने से ज़्यादा हम वार लेने में बहुत ताकतवर हैं। हम वार करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बच्चों को हम बच्चों को अभी तक जो लड़ा है ना, बहुत दिलदार और जान हथेली पे लेकर लड़ा है। और मैं ऐसे बातें ऐसे
ऐसे लोगों से कभी मेरे को डरता भी नहीं, डर लगता भी नहीं। मैं पीएम के गांव में गया था, आपको पता होगा, मैं मंत्री घर, मंत्रियों के घर में घुसा था, दो दिन रहा था। तो मैं ऐसे लोगों से नहीं डरता हूँ, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ और मैं अकेला भी घूमता हूँ। उनको लगता होगा मैं बॉडीगार्ड गिडीगार, मेरे को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आते। जहाँ जिस तरह से हमला होगा उस तरह से बच्चों को की तैयारी है देने की नहीं है। उतना भी हम देखते हैं कि हमने 115 बार रक्तदान किया है। मैं कुछ खून निकालने में से जो क्या बोलते हैं रक्त निकालने में से नहीं हूँ, मैं देने में से हूँ, दान करने में से हूँ। हमारी विचारधारा वो है और वो विचारधारा खून बहाने वालों से और ज़्यादा वीरता होती है। जैसे सैनिक लड़ता है वो निकालता भी है और देता भी है, ताकत भी रखता है। तो मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता। और ऐसे तो ये तो बिल्कुल मामूली भाग है, ये कोई हमारे जिंदगी का एक थोड़ा सा हिस्सा होगा। युवाओं के लिए क्या योजना है आपकी? मुझे लगता है कि पहले गांव विकास, जैसा ग्राम उद्योग, जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि अगर देश को मजबूत करना है तो गांव को मजबूत करना पड़ेगा, और गांव मजबूत होगा तो युवा मजबूत होगा। आज आप तुम देखते हो कि सब लोग शहर में जाने की सोच रहे हैं। तो गांव की ताकत अगर हम बढ़ाए, हमारी खेती की अगर हमने मजबूती लाई, तो आधा बेरोजगारी का प्रश्न छूट सकता है, जो भी अभी समस्या है। तो उस तरह से छोटे छोटे उद्योग, जैसे मैंने MIDC हमारे घर के बाजू में हमने 20 एकड़ की MIDC अभी लघु उद्योग हमने खोला है, उसमें कम से कम हमारे 40 लोगों को उद्योग मिलेगा, 400-500 लोगों को रोजगार मिलेगा। हर तालुके में एक छोटे छोटा MIDC निकाल कर वहाँ के जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ ही हम खड़े करेंगे। ज़्यादा जोर इंडस्ट्री पे रहेगा, इंडस्ट्री पे रहेगा और प्रोसेसिंग यानी फसल पे जो प्रोसेसिंग होता है उस पर हम ज़्यादा। एक युवा के लिए दूसरा किनारा, दो महत्वपूर्ण मुद्दे आपके सामने। युवा और किसान यदि सुखी रहा तो मेरे ख्याल से देश संपन्न होने में समय नहीं लगेगा। किसानों के लिए क्या योजना, क्योंकि हम देख रहे हैं आज भी इतना होने के बावजूद टेक्नोलॉजी है सारा, फिर भी हमारे यहाँ का किसान आत्महत्या ही करता है। सबसे बड़ी बात है जैसा स्वामीनाथन ने क्या कहा था कि उत्पादन से ज्यादा उत्पन्न से महत्व होता है। उत्पादन बोले तो 2 क्विंटल पहले गेहूँ हुआ, अभी वो 5 क्विंटल हो गया, ये हुआ उत्पादन बढ़ गया, 2 क्विंटल से 5 क्विंटल हो गया। लेकिन उत्पन्न बोले तो पैसा अगर 2 क्विंटल इतना ही आया। अच्छा, मैंने वो कमाई नहीं बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ गया, मेहनत बढ़ गई, सब बढ़ गया। अभी तो यही हो रहा है कि हम इस पर ख्याल देना जरूरी है कि किसानों का उत्पन्न कैसा बढ़े, और उत्पन्न बढ़ गया तो फिर सवाल ही नहीं। तो एग्रीकल्चर के लिए बेसिक कुछ सुविधा यहाँ देखो, ये सब केंद्रीय नीति का प्रभाव होता है। केंद्र में आदमी भेज रहे हैं। हाँ, तो केंद्र में, केंद्र का जो आयात निर्यात धोरण है ये बहुत किसान पर प्रभाव डालता है। और ये जिस दिन इस पे रोक लगाएंगे, जैसा हमने अभी पाम तेल आयात किया है, तुअर दाल आयात की है, तो कपास को निर्यात करना था तो वो नहीं किया, तो ये इससे वजह से इस पर ख्याल देना पड़ेगा। कृषि योग्य जो प्रोडक्ट है उसका आयात कम होना चाहिए, निर्यात ज्यादा। मुख्य नीति है कि आयात यदि नहीं होता है और यहीं पे हम प्रोडक्शन करें तो उसको वैल्यू बढ़ेंगे और निर्यात ज्यादा रहा तो भाव मिलेगा। दूसरी बात, अगर ये नहीं कर सकते तो MRSS में जो मजूरी का खर्चा किसान को लगता है वो अगर सरकार ने उठाया, MRSS में उसमें कवर किया, तो उत्पादन खर्चा कम होगा और उत्पन्न बढ़ जाएगा। और आखिरी प्रश्न ही समझो, उसमें प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न महत्वपूर्ण। आपने बार बार इस विधानसभा आपने दिनेश बुक को उम्मीदवार चुना, हाँ। क्या देखा दिनेश बुक में आपने जो प्रहार से उनको उम्मीदवारी दी? दिनेश बुक मेरा एक तो दोस्त भी है और शिव सैनिक है, और सबसे मेरे को बात उसकी बहुत अच्छी पटी कि वो एक दिन का 15 दिन की गणपति नहीं बैठा था, वो एक दिन खाना नहीं खिला था, साल भर वो मरीजों को खाना खिलाता है, वहाँ सोने की व्यवस्था करता है। मुझे 2 डॉक्टर ने बताया कम से कम दिन में इसके 2-3 बार फोन आते हैं पेशेंट के लिए, हम थक जाते हैं इसके लिए। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी दिनेश भाव की, और मुझे लगता है कि इन पर हुए संस्कार जो है वो डॉक्टर गणेश भूख के, आखिर संस्कार
संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और देने वाले संस्कार है, लेने वाली संस्कार ये नहीं है। तो ये देखो हमने कितना काम किया, इससे ज्यादा किस तरीके से किया। मैं अगर किसी को छीन कर किसी को देता हूँ तो एक तरफ गलत करता हूँ, दूसरी तरफ अच्छा करता हूँ, तो ये कुछ अच्छी बात नहीं हो सकती। इसका जो विचारधारा है और जिस तरह से काम करता है, ये बहुत मजबूती से और संतों को जिस तरह से विचारधारा है उस तरह से करता है। युवाओं के लिए दिनेश भोग, एक जरूरतमंद के लिए दिनेश भोग, और हिंदुत्व भी ये देखा जाए तो हमने जब से शिवसेना से उनका हिंदुत्व देखा है, कहीं उन्होंने आज का हिंदुत्व जो है मुसलमानों का विरोध करना है उनको उस भाव में नहीं देखा, तो ये सारी चीजें देखते हुए उनकी नेतृत्व क्षमता क्या सदन में किस प्रकार काम करेंगे और आपके किस प्रकार से उनका डायरेक्शन रखेंगे, दिनेश भोग ने क्या करना चाहिए? और देखो वो बहुत एक वेगवेगरी सोच रखने वाला आदमी है, उसके बाद बहुत अच्छे प्रोजेक्ट भी है, जैसा अपने फुटपाथ वालों पर जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छा हॉकर्स की योजना है, ऑपरेट के लिए डाली होगी शायद, तो पर्यावरण के बारे में उसकी बहुत अच्छी सोच है, डेवलप किया पूरी बहुत अच्छी उन्होंने, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो नया नया संकल्प जिस तरह से हम नई नई कल्पना करते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छे तरीके से इस जिले को आगे लेके जाएगा। ये थे हमारे साथ में बच्चू भाऊ, जो हमने चलते चलते अभी किया एक दिनेश भोग के बारे में भी हमने प्रश्न पूछे, आखिर क्यों प्रहार से उन्होंने मिले, क्योंकि मूल में सेना के और भाऊ भी पहले शिव सैनिक भी थे, तो विचारधारा का तो मिलान था ही, लेकिन एक नई क्रिएटिविटी और नया कुछ करने की जो क्षमता वो दिनेश भोग में देखी, और बाकी पूरी राष्ट्रीय चर्चा के लिए साथ में अमरावती की भी और भी बच्चू भाऊ के साथ में मुलाकात होती रहेंगी और नए प्रश्नों के साथ में हम साथ में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ओके।